लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। गरियाहाट के ट्रेडर्स असेंबली के आवासन में अचानक आग लग गई। आग को काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहुमंजिला इमारत के एक हिस्से में साड़ियों के दो गोडाउन थे। शनिवार की रात को आग लगते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। गोडाउन तक जाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों के अनुसार गोडाउन तक जाने के लिए तीन दरवाजों से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें लकड़ी के दरवाजों के साथ ग्रिल और लोहे के शटर भी थे। दरवाजों को तोड़कर अंदर जाना काफी मुश्किल था, इसलिए ड्रिलिंग का सहारा लेना पड़ा। মানে হচ্ছে কি এখানে ফায়ারের ফায়ার সেফটি সিস্টেম কোনো কিছু ছিল না, তো সেটা যা আছে কি অ্যাকশন নেবেন যা এর সম্পর্কে হচ্ছে আইনের যা পদক্ষেপ আছে সেটা আমরা যা আছে পরবর্তীকালে আইনের মতন যা আছে পদক্ষেপ। দমকল সূত্রো কে অনুসার শনিবার কি রাত 12 বাজে ये हादसा हुआ। दमकल के 19 इंजन मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। ये आग सुबह 11 बजे तक लगी रही। हालांकि दमकल कर्मियों ने बताया है कि फिलहाल आग को पूरी तरह से काबू में करना ही उनका लक्ष्य है। वहीं धुएं के कारण काफी लोग अस्वस्थ हो गए। কুল করার পরে যা আছে যা যা পদ্ধতি পরবর্তীকালে আছে সেটা নেব।